इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक वस्तु का कोई ना कोई सेंटर होता है, तो क्या ब्रह्मांड का खुद का सेंटर है क्या? चलिए हम इसी बात को पता करेंगे। नमस्कार, मैं सरोज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सरोज का फैक्ट ज्ञान में। दोस्तों, पूरे जो ब्रह्मांड है उसका सेंटर है अमेरिका में। अमेरिका के डाउनटाउन शहर में एक ऐसी जगह है जहां पे मात्र 30 इंच का सर्कल बना हुआ है, मतलब सर्कल का जो डाया है वो 30 इंच है और उसके चारों तरफ 8 फीट ईंट बिछी हुई है, मतलब उस सर्कल के चारों तरफ एक और सर्कल बना हुआ है। सोचिए, आप इस सर्कल के अंदर अगर खड़े होकर कुछ बोलेंगे तो वहां से 8 फीट दूर जो उस सर्कल के बाहर व्यक्ति खड़ा है उसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप, 8 फीट दूर खड़े व्यक्ति को कुछ भी सुनाई नहीं देगा, चाहे आप जितनी भी तेज गति से आवाज लगा ले या जितनी भी तेज गति से चिल्ला ले। दोस्तों, आप जो आवाज लगाते हैं वो आपको खुद प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देगी वहां पे, लेकिन आपकी ध्वनि बाहर नहीं जाएगी। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। ऐसा लगता है कि हम जो बोलते हैं वो सीधे सीधे ब्रह्मांड में चला जाता है और वहां से फिर हम तक वापस आता है प्रतिध्वनि के रूप में, और वो भी काफी तेज गति में, काफी तेज साउंड में, मतलब इतना तेज साउंड। और अगर बाहर खड़ा व्यक्ति कोई चिल्लाता है या हमें आवाज लगाता है तो भी हम उसे सुन नहीं पाएंगे। उसकी कुछ कुछ आवाज जो आती है लेकिन वो भी क्लियर नहीं है। वैज्ञानिकों का इस पर जो प्रतिक्रिया है वो यह है कि ध्वनि की चाल हर जगह अलग अलग होती है। वायु में, पानी में, ठोस में, निर्वात में, हर जगह अलग अलग होती है। इसीलिए यहाँ पे ध्वनि की चाल अलग है, पर ये जो सेंटर है ये कहीं और नहीं है, मतलब धरती पे ही है और धरती पे 8 फीट खड़े व्यक्ति को कुछ सुनाई नहीं देता है जहां से हम बोलते हैं। मतलब ये एक चमत्कार ही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ये एलियन का घर तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं जहां से एलियन कनेक्ट होते हैं और वहां से वो धरती की सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्या आज से पहले आपको पता था कि इस ब्रह्मांड का एक सेंटर है जो पृथ्वी पर है? अगर नहीं तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।